एमपी के रीवा शहर के चौरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदानी मोहल्ले में पैसों के लेन देन को लेकर रेलवे पे पदस्थ कर्मचारियों ने पुलिस विभाग में पदस्थ कर्मचारी के 6 माह और 2 साल के 2 मासूम बच्चों को बंधक बना लिया। तकरीबन 8 घंटे तक पेट्रोल और चाकू के नोक पर बंधक बनाए रखा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और दोनों बच्चों को सुरक्षित बचाया है। इस दौरान मोहल्ले की भारी भीड़ एकत्रित रही और तनाव की स्थिति निर्मित रही। यह पूरा घटनाक्रम रीवा शहर के चौरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदानी मोहल्ले का है। ये लड़की वो छोटा सा बच्चा है। हाँ, मैं घर में थी, वहाँ पे बैठा था, नहीं वहाँ पे बैठा था सोफा वाले कमरे में। उसके बाद वो बोला कि मामी जी से बोला कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तो उसके बाद आके मैं अपने बच्चों के पास बैठी तो बोला कि वो पापा जी से बात ना करवाएंगी। तो हम बोले हाँ बात करवाते, मेरे फोन बैलेंस नहीं है। तो मैं इस कमरे में आ गई, फ़ोन चार्ज लगा था मामी का, तो फोन लेने इतने में पूरा दरवाजा वाजा बंद कर लिया, दोनों साइड से पूरा दरवाजा। यही बोला कि मेरा पैसा नहीं तो मेरे पास वो है, पेट्रोल है, मैं कुछ कर दूंगा, मैं बच्चों को कर दूंगा, यही सब धमकियां दे रहा था। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हूँ। इनको आप पहले से जानती थी, कुछ लेन देन का मामला था? वही ऐसे ही दोस्त था उसका। इनके बच्चों के पिता क्या नाम है? शिवेंद्र सिंह। ये कितने बजे आए थे आपके घर में? ये 2 बजे आए थे। उसके बाद से बंधक बना लिए। हाँ, तो अभी लगातार ये पैसा बढ़ा रहे थे, 16 लाख रुपए तक मांग रहे थे। ऐसे पूरा लगातार वो लगे थे, बच्चों को वो किया था ना। हाँ, और इसको डरा के रखा था, ये बिल्कुल रोने वाली थी लेकिन इसको रो के डरा के रखा था। हाँ, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।